हेलो, आज हम जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोनिंग। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं क्लोनिंग। सबसे पहले देखते हैं क्लोनिंग क्या है। कोशिकाओं अथवा जीवों का एक समूह है जिनकी उत्पत्ति एक पितृ कोशिका या जीव से हुई है तथा जो शरीर और आनुवंशिकी दृष्टि से जनक के समान होते हैं, यानी कि जिस कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका या जीव से हुई है या जो नया जीव बना है पूर्ववर्ती जीव से, उसका शरीर आनुवंशिक दृष्टि से पैतृक जनक के समान होता है, क्लोन कहलाते हैं, और क्लोन के निर्माण की पद्धति क्लोनिंग कहलाती है। क्लोनिंग तीन प्रकार की होती है, जीन क्लोनिंग, कोशिका क्लोनिंग और जीव क्लोनिंग। तीनों का अलग-अलग अध्ययन करते हैं। पहला है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या होती है? डीएनए के विशुद्ध टुकड़ों का अधिक संख्या में निर्माण करना जीन क्लोनिंग कहलाता है। इसमें पुनरावेश डीएनए का निर्माण और इसको मातृ बैक्टीरिया कोशिका में प्रवेश करना सम्मिलित है, यानी कि जीन क्लोनिंग में दो क्रियाएं होती है। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण होता है, फिर इसको मातृ बैक्टीरिया कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। पुनरावेश डीएनए का निर्माण दो विभिन्न जीनों के डीएनए के सम्मिश्रण से होता है। इस पद्धति को अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। डीएनए के एक खंड जिसे पैसेंजर डीएनए या यात्री डीएनए कहते हैं, को दूसरे डीएनए जिसको व्हीकल डीएनए या वाहक डीएनए कहते हैं से संयुक्त करके दूसरे प्राणी में हस्तांतरित किया जाता है। सामान्यतः प्लाज्मिड को वाहक डीएनए के रूप में उपयोग किया जाता है। दो डीएनए होते हैं, वाहक और यात्री, तो वाहक डीएनए के रूप में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। यात्री और वाहक के दोनों डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी कि दोनों डीएनए का जो पृथक्करण किया जाएगा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा किया जाएगा। इस डीएनए को पुनर्योगेश डीएनए कहते हैं। एक प्रक्रिया होगी पुनर्योगेश डीएनए का निर्माण, और फिर इसको क्या करते हैं, इस पुनर्योगेश डीएनए को मेजबान बैक्टीरिया संवर्ग में डाला जाता है। ये बैक्टीरिया पोषक तत्वों के साथ में इस डीएनए को भी ग्रहण कर लेते हैं। बैक्टीरिया जब विभाजित होता है तो वह डीएनए प्रतिकृत होकर पुनर्योगी डीएनए के अनेक क्लोन बना देता है। तो ये तो वह जीन क्लोन, क्लोन के निर्माण की क्रिया क्लोनिंग कहलाती है। तो ये जीन क्लोनिंग है। नेक्स्ट है कोशिका क्लोनिंग, सेल क्लोनिंग। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक जीवों की आसानी से पात्र में इन विट्रो क्लोनिंग कर सकते हैं। प्राणी कोशिकाओं के क्लोन्स को उनके कोशिका प्रलंबन सस्पेंशन से भी प्राप्त कर सकते हैं। माध्यम में कुछ कोशिकाओं को रखने पर संवर्ग के एक सप्ताह में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होकर समान कोशिकाओं के क्लोन बना देता है। जीव क्लोनिंग सन 1995 में यान विल्मट और उनके साथियों ने स्कॉटलैंड की रोजेलिन संस्था में पेड़ के भ्रूण से पेड़ के अंडे में केंद्रीय प्रत्यारोपण द्वारा मेगन और मार्गन नामक भेड़ के दो क्लोन बनाए। फिर इसके बाद में फरवरी 1997 में यान विल्मट ने एक वयस्क मेमने का क्लोन बनाया जिसका नाम रखा गया था डोली।